अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत सादा और आसान तरीका बताऊंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए उर्दू गर्ल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स, तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस शर्ट पर हम कंट्रास्ट कपड़े की स्लिट बनाएंगे। स्लिट शर्ट के सेंटर में बनेगी। अब हम बुकरम पे गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से बुकरम डबल फोल्ड करें और 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा निशान लगाएं। और इस तरह से गुलाई में निशान लगाएं। अब 4 इंच गले की लंबाई छोड़कर स्लिट बनाने की लेंथ मेजर कर लें। इस तरह से 4 इंच छोड़कर आप जितनी स्लिट की लंबाई रखना चाहें 1 इंच ज़्यादा रखकर मेजर करें। लंबाई 16 इंच है, बुकरम हम 17 इंच पे कटिंग करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच स्लिट की चौड़ाई रखकर निशान लगाएं। और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाकर बुकरम की कटिंग करें। गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे शर्ट पर सेट करेंगे। गले और शर्ट का सेंटर बनाकर गला सेट कर लें और मज़ीद आसानी के लिए आप दरमियान में से निकाला हुआ बुकरम का पीस रखकर प्रेस कर लें। इस तरह गला बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छी तरह से बुकरम को चिपका लें। अब गले को इस तरह से थोड़ा कपड़ा छोड़कर कटिंग करें। और स्लिट के दरमियान से कटिंग कर लें। एंड पर इस तरह हल्के से कट लगाएं। अब हम पहले स्लिट तैयार करेंगे। कपड़े की लंबाई लें और तकरीबन 1.5 इंच पर कट करें। ये दोनों साइडों के लिए कपड़ा तैयार है। आप कपड़े को नीचे की तरफ इस तरह से रखें और कपड़े को थोड़ा सा बढ़ाकर रखें और एक पैर की सिलाई लगाते जाएं। जहाँ कट खत्म हो वहाँ तक सिलाई लगाएं। अब इसी तरह से दूसरी साइड स्टिच कर लें।
जिस तरह हमने बुकरम पर कट लगाए थे, इसी तरह कपड़े पर भी लगाएंगे। अब सीधी साइड करें। जितनी सिलाई अंदर की तरफ है, उतना ही कपड़ा बाहर को निकालें। चाहें तो आप प्रेस कर लें और इसी तरह से कपड़े पर सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से किसी पिन की मदद से दरमियान वाला कट अंदर की तरफ करें और दूसरा हिस्सा इसके साथ बराबर करते हुए सिलाई लगाएं। फालतू कपड़ा और धागे काट दें। अब गले के दरमियान में से निकाला हुआ कपड़ा इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े पर रखें और 1 इंच ऊपर से छोड़ें और 1 इंच नीचे से छोड़ दें और कटिंग करें। और दरमियान में से 2 हिस्से कर लें और इस तरह से कपड़ा गले के नीचे रखकर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। यहां से तुरपाई के लिए फोल्ड कर दें ताकि तुरपाई करने में आसानी हो और दूसरी साइड सिलाई करें। अब हल्के हल्के से कट गोलाई में कट लगाते जाएं। अब सारा कपड़ा बाहर की तरफ करके इस पर सिलाई लगा लें। नीटनेस और आसानी के लिए प्रेस कर लें ताकि तुरपाई आसानी से हो जाए। अब स्लिट को कवर करने के लिए दरमियान में कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा इस तरह से डबल करें। कपड़े की चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। ऊपर वाली साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करें। स्टिचिंग करते हुए फोल्ड किया हुआ हिस्सा इस तरह ऊपर रखें और सिलाई करते जाएं। व्यूअर्स देखें, बहुत सादा और आसान तरीके से स्लिट नेक लाइन तैयार है। आप स्लिट पर बटन या फिर लटकन भी लगा सकती हैं। व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और उर्दू गर्ल्स जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।